स्वागत है आपका देवभूमि दर्शन पर। उत्तराखंड के पहाड़ की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था आज किसी से छिपी नहीं है। आए दिन राज्य की कई प्रसूता महिलाओं, नवजात बच्चों, गरीब एवं असहाय बुजुर्गों को सिस्टम की इस खस्ता हालत का खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसी ही एक खबर आज राज्य के पिथौरागढ़ जिले से सामने आ रही है, जहां हेलीकॉप्टर के समय से न पहुंचने के कारण एक गर्भवती महिला ने खेत पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। परिजन हेलीकॉप्टर का इंतजार करते रहे, लेकिन हेलीकॉप्टर प्रसव के करीब 2 घंटे बाद घटना स्थल पर पहुंचा। तब तक नवजात बच्चा अपनी सांसें तोड़ चुका था। इस घटना से जहां परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है, वहीं स्थानीय ग्रामीणों में सिस्टम के प्रति रोष व्याप्त है। फिलहाल बच्चे को जन्म देने वाली प्रसूता को हेलीकॉप्टर की मदद से जिला अस्पताल पिथौरागढ़ में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार अभी भी जारी है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार मूल रूप से पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी ब्लॉक के पांतो गाँव निवासी लक्ष्मी देवी पत्नी श्याम सिंह दरियाल को बीते रोज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। परिजनों द्वारा इसकी जानकारी क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी को देते हुए मदद की गुहार लगाई गई। विधायक हरीश धामी ने तुरंत प्रशासन को मामले से अवगत कराते हुए हेलीकॉप्टर पांतो गांव भेजने के निर्देश दे दिए, लेकिन हेलीकॉप्टर के पहुंचने से पहले ही प्रसूता ने असहनीय प्रसव पीड़ा से कराहते हुए खेत में नवजात बच्चे को जन्म दे दिया। इस संबंध में आशा कार्यकर्ता खिला देवी का कहना है कि गर्भ में बच्चा उल्टा फंस गया था, जिसे मुश्किल से निकाला गया। उधर स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि हेलीकॉप्टर समय से पूर्व पहुंच गया होता तो नवजात बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।